विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 8वां दल अल्मोड़ा में ही रोक दिया गया। दरअसल खराब मौसम के चलते यात्रियों को अल्मोड़ा में रोका गया है। बता दें कि यात्रियों को बुधवार को हेलीकॉप्टर के जरिए पिथौरागढ़ से गुंजी तक जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से सभी यात्रियों के अल्मोड़ा पहुँचने पर रोक दिया गया। गौरतलब है कि मानसरोवर यात्रियों के 8वें दल में कुल 58 यात्री शामिल हैं, जिसमें 17 राज्यों के 44 पुरुष व 14 महिलाएं शामिल हैं। इस दल में आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, झारखंड, केरला व पंजाब से एक एक, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम से दो दो व पश्चिम बंगाल से तीन, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश से पाँच पाँच, गुजरात से आठ, महाराष्ट्र से छः और राजस्थान से 9 यात्री शामिल हैं। यात्रियों में मानसरोवर यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह है। यात्रा को लेकर उत्साहित श्रद्धालुओं का कहना है कि मौसम खराबी का कारण उनको अल्मोड़ा में रोका गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द उन्हें यात्रा के लिए फिर से रवाना कर दिया जाएगा। हम लोग यहाँ पे कल आए हैं और रुके हुए हैं अल्मोड़ा में। कल यहाँ से हम लोग निकलेंगे पिथौरागढ़ के। अच्छा, क्यों अल्मोड़ा में रोक दिया गया? अल्मोड़ा में क्योंकि वहाँ पे वेदर खराब था पिथौरागढ़ में, तो इसलिए आगे की जर्नी नहीं हो पाई, इसलिए आज हम लोगों को यहाँ रुकना पड़ा। मैसेज ये है कि जैसे ही वेदर ठीक हो जाएगा तो जाएंगे। अब जैसे ही आया कि कल सुबह हम लोग यहाँ से जाएंगे, तो कल के बाद फिर जर्नी वैसे ही रहेगी एज पर शेड्यूल। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।